एक वक्त था जब प्रतिज्ञा सीरियल सबका फेवरेट था। शो में सबसे चहेता किरदार ठाकुर सज्जन सिंह का था, जिसे अनुपम श्याम ने निभाया था। शो की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग अनुपम श्याम को सज्जन सिंह के नाम से ही पहचानने लगे थे। इस शो के सज्जन सिंह यानी अनुपम श्याम का बीती रात निधन हो गया। अनुपम श्याम के निधन से टीवी जगत ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी दुखी है। बॉलीवुड के तमाम सितारों ने अनुपम श्याम के निधन पर शोक जताया है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल NN बॉलीवुड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अनुपम श्याम मुंबई के लाइफ मेडिकेयर हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से एडमिट थे। 8 अगस्त की देर रात उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया। बता दें कि अनुपम श्याम लंबे समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के गोरेगांव में स्थित लाइफलाइन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले साल मार्च में भी उनके किडनी फेल होने की जानकारी सामने आई थी, जिसका इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अनुपम श्याम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनके परिवारजनों ने टीवी और बॉलीवुड समेत फैंस से मदद की अपील की थी, जिसके बाद कई सेलेब्स ने उनकी मदद की। टीवी शो प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे। इस साल मार्च में उन्होंने प्रतिज्ञा 2 में दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। इस सीरियल में पूजा गौर और अरहान बहल भी लीड रोल में है। अनुपम श्याम का जन्म 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई प्रतापगढ़ में ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से थिएटर की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद दिल्ली के श्रीराम सेंटर रंगमंडल में काम किया। वहां से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ गए। उन्होंने ज्यादातर खलनायक की भूमिका निभाई है। अपनी दमदार आवाज के लिए वो जाने जाते थे। अनुपम श्याम ने कुछ इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि अभिनेता ने 2008 में फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में अभिनय किया था। इस फिल्म में अनुपम ने ऐसा किरदार निभाया था जो भीख मांगने के लिए बच्चों को अंधा बनाता था। हिंदी फिल्मों में शक्ति, हल्ला बोल, रक्तचरित, परजानिया, दास कैपिटल, पान सिंह तोमर, हजार चौरसी की माँ, दुश्मन, सत्या, दिल से, जख्म, कच्चे धागे, तक्षक, बवंडर, नायक, कसूर, लगान और लज्जा चर्चित रही। उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्मों में नायक, दुबई रिटर्न, परजानिया, लज्जा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, शक्ति द पावर शामिल हैं। वे शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन का भी अहम हिस्सा रहे थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।